ओह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। अगर ऐसा है दादी, तो मुझे किसी शानदार तरीके से तरबूज खिलाओ। क्या? इसे ले लो और खाओ। इसमें क्या समस्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा टिकटॉक देख लेता हूँ। ओह हाँ, यह बहुत मजेदार है। तरबूज से कोई डिश बनाना एक असली आर्ट है। वाव, क्या खुशबू है। बहुत बढ़िया। एक सही ड्रिंक के लिए हमें और क्या चाहिए? सबसे पहले इस गैजेट की मदद से मैं इसे बीच से काट लूंगी। बिल्कुल सही। और ब्लेंडर बाकी काम करेगा। मेरे पास एक बढ़िया ड्रिंक होगा। बच्ची खुश हो जाएगी। वाह वाह, बिल्कुल। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने बालों की स्क्रंची ले लेती हूँ और एक तरबूज से एक बास्केट काट लेती हूँ। अब मैं सब कुछ चिकनी और सुंदर बनाने के लिए एक मार्ग बना देती हूँ। अब चलो काम पर लग जाती हूँ। काट दिया। हाँ, बढ़िया। मैं एक्स्ट्रास हटा देती हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास एक विशेष चम्मच है। मैं मिनी तरबूज बॉल बनाऊंगी और अपनी टोकरी उससे भर दूंगी। कितना अच्छा है ना? दादी खुश है। देखो बेबी, यह सब तुम्हारे लिए है। ओह, तुम्हें खाने में आसानी हो, इसके लिए मैं इस पर स्क्वायर लगा देती हूँ। और मैं तरबूज में एक नल लगा दूंगी। अद्भुत। अब मैं फैंटा डालूंगी और इसे नीला कर दूंगी। यह शानदार होगा। कितना कूल। देखो मेरा आइडिया कितना मस्त है। ओह, यह किस तरह की हंसी है। यह मजेदार है। आपको इसे देखना चाहिए था। मुझे लाइफ हैक्स पसंद है। वाह, एक आदमी एक समुराई तलवार लेता है और एक अनानास काटता है। वाह, मुझे भी तुरंत इसकी जांच करने की जरूरत है। मेरी तलवार हमेशा मेरे साथ होती है। तो एकाग्रता, समुराई की शक्ति। तलवार निकालना है। 1 2 3। क्या, यह कैसे संभव है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह क्या था? मैं अपना ध्यान नहीं भटका सकता। 1 2 3। ओ माँ, क्या हुआ? ठीक है। तरबूज क्यों नहीं कट रहा है? मैं पुराने तरीके का उपयोग कर रहा हूँ। चलो कट जाओ। तुम मुझे हरा नहीं सकते तरबूज। मेरी शक्ति अनंत है। ओह, लेकिन ये तलवार नहीं। ऐसा लगता है वो अब मेरी मदद नहीं करेगा। ओह, सावधान रहो। हम तैयार हैं एमा। अपने खाने के मजे लो। वाह, कूल। और यह क्या है? भाई, मैं इसे नहीं खा सकती। वाह, तरबूज की बास्केट। हाँ, एक स्टिक पर छोटा तरबूज। मस्त है। कूल, धन्यवाद दादी। वाओ, क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या सच में तरबूज में एक नल चिपका हुआ है? वाओ, नीला लेमोनेड कमाल का है। मैं इसे अब ट्राई करूंगी। वाओ, बहुत बढ़िया। मुझे विनर मिल गया। धन्यवाद शेफ। मैं? ओह, मुझे धन्यवाद मत करो। ओह, बैड लक मेरा। इसे मत छुओ, ये एक चुनौती के लिए है। आह, बोलना ही काफी था। अब मुझे स्किटल्स चाहिए। मुझे खट्टी मीठी कैंडीज बहुत पसंद है। क्या, ये? ठीक है, मेरे पैक से खा लो बहन। इसमें बनाने का क्या है? बस हो गया। हालांकि यह बहुत सारे हैं, तो मैं एक खा लेता हूँ जबकि कोई देख नहीं रहा है। अंगूर, सेब, कीवी या नींबू। मैं एक नारंगी के साथ शुरू करती हूँ और फिर मैं बाकी ले लूंगी। खट्टे फल अच्छे कैंडी बनाएंगे। एक सॉस पैन में रस निचोड़े, पानी और जेलेटिन मिलाए। बहुत बढ़िया। अब केवल इसे मिलाना बचा है। कैंडी मिक्स तैयार है। अब मैं इसे एक कटोरे में डालकर पाउडर के साथ मिक्स करूंगी। हर एक फ्लेवर का अलग कटोरा। हाँ, यह बहुत सुंदर है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला दूंगी। वाह, कितना बढ़िया रंग आया है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं डो को पतली स्ट्रिप्स में रोल करूंगी और इसे काट दूंगी। मैं इन टुकड़ों को छोटे कैंडी की तरह रोल करूंगी और इन्हें अच्छे से प्लेट में सजा कर रख दूंगी। एकदम सही स्वाद और आकार।
जैसा तुम्हें चाहिए था, है ना? और क्रीम से यह बादल, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया काम। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, मैं अपनी फेवरेट बास्केट लेकर जंगल में जाऊंगी, जहाँ ताजी हवा है और पक्षी गा रहे हैं, और अपनी पोती को खुश करने के लिए मुझे जो कुछ भी चाहिए वह यहाँ उगता है। हम अंगूर और स्ट्रॉबेरी चुन सकते हैं। आह, यह एकदम ताजा है। वाह, क्या बेरी है। ओ, ऐसा लगता है कि केवल दादी ने जो है रास्पबेरी के लिए आई थी। ओह, यह तुम ले लो मिस्टर भालू, यह तुम्हारे लिए है। जल्दी मिलते हैं। मैंने अपनी जरूरत की हर चीज एकत्र कर ली है और अब मैं इन अद्भुत बेरीज से कैंडीज बनाना शुरू कर सकती हूँ। मैं उन्हें सुंदर बनाने के लिए कटोरे में डालूंगी और फिर ऊपर से शहद डालूंगी। बस अभी डालती हूँ। ओह, यह खोल ही नहीं रहा है। ओह, यह क्या है? क्या यह एक भालू है? ओह, धन्यवाद मिस्टर भालू, तुमने शेफ को डरा दिया। ओह, वह जल्दी अपने होश में आ जाएगी, चिंता मत करो। तब तक मैं शहद डालती हूँ। बहुत बढ़िया, जंगल का सब कुछ बहुत ही फ्रेश और स्वादिष्ट होता है। क्या भालू जा चुका है? ओह, मेरी तो डर के मारे सूसू निकलने वाली थी। ओह, मेरी कैंडी कहाँ है? अब यह नहीं कहना कि उन्हें अपने साथ ले गया। ओह, खैर कोई बात नहीं। दादी, क्या आप एक ट्रिक देखेंगी? तड़ाम! ओह, शाबाश बेटे। ओह, रुको, जब तक आप देखेंगी तब तक मैं आपके मोती ले लूंगा। वाह, क्या यह स्किटल की तरह दिखता है? मुझे तो लगता है। क्या तुम्हारा हो गया बेटा? शेफ, शेफ, हम कर चुके हैं, उठो। हो भी क्या? अरे नहीं, मेरे रेनबो कैंडी का क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। हम तैयार हैं। वाह, कितनी कैंडी! यह शेफ के डिश की तरह नहीं दिखता है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। खैर, अब विनर चुनना आसान होगा। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। शहद में बेरीज, कूल। मुझे यह पसंद आया। वाह, बहुत मीठा और फ्रेश, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह, और यह स्किटल्स की तरह ज्यादा लग रहा है। आह, कितना दर्द हुआ। अरे, मुझे लगता है मैंने अपने दांत तोड़ लिए। अरे नहीं, माफ करना बहन, मैं ऐसा नहीं चाहता था। आप कभी ऐसा मत करना। यह तय है, दादी जीत गई। ओह, धन्यवाद मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, क्या आप इसे बनाएंगे? ओह, आसान, चिंता मत करो, शेफ अपना काम करना जानती है। अब मैं इसे काटने जा रही हूँ, इसे हवा में करना सबसे सुविधाजनक है। और मैं इसे उबलते पानी में पकाऊंगी। यह अद्भुत है। क्या हुआ दादी, क्या परेशानी है? यह आलू है या अंडा, समझ नहीं आ रहा है। ओह, यह निश्चित रूप से आलू है। मैं इसे फॉइल में लपेटूंगी और इसे अपने पुराने रेसिपी के अनुसार पकाऊंगी। आह, मैं इसे उठा नहीं पा रहा। वाह, ओह, कितना अच्छा है कि मेरे पास फ्रोजन फ्राइज है। मैं हारने से थक गया हूँ, मुझे उम्मीद है वो मुझे जीतने में मदद करेगा। यह दिलचस्प है, मुझे इसे खा कर देखना चाहिए। ओह, यह कितनी ठंडी है, यह बर्फ की तरह है। क्या करूँ? मुझे पता है, मेरे पास रिमोट कंट्रोल रोबोट है। मेरे पास आओ। ओह नहीं, ओह रुको रुको। कूल, अब देखते हैं कि वह क्या कर सकता है। तो फ्राइंग मोड। यह बहुत तेज है। अरे नहीं, चेहरे पर नहीं। स्विच ऑफ। तुमने बहुत काम कर दिया मेरे दोस्त। वाह, तुमने आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर दिया है। वाह, मुझे आशा है कि मैं इसके बाद रोबोट को ठीक से चलाऊंगा। कूल, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मेरे आलू पक गए हैं। अब इसमें से पानी निकालकर इसमें अंडे और थोड़ा आटा मिलाकर उन्हें ब्लेंडर के साथ मिक्स करने का समय है।
बढ़िया, मैंने एक प्यूरी तैयार किया है जिसे हम किसी भी आकार के फ्राइज बना सकते हैं। जरा देखो यह कितना बढ़िया स्पाइरल बना है। बस इसे तेल में डुबाना है और थोड़ा इंतजार करना काफी होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ यह तुम्हारे लिए है बेबी। मुझे आशा है तुम्हें यह पसंद आएगा। चलो केचप और मेयोनीज के साथ इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। अपने खाने का मजा लो। मेरे आलू भी आग पर पककर तैयार हो गए हैं और ये आग पर पके हैं इसलिए इसमें एक अलग स्वाद होगा। अब मैं इसे काट देती हूँ, फिर बटर और सॉसेज डालूंगी। मुझे पता है कि मेरी पोती को यह बहुत पसंद है। जरा इसे देखो कितने बढ़िया सर्कल है। हाँ, और मैं इस पर चीज ग्रेट करके मिलाऊंगी। बढ़िया, लाजवाब। ओह, सबका हो गया लेकिन मेरा नहीं। एक मिनट रुको, मैं सिर्फ केचप निचोड़ देता हूँ और यह तैयार। बोन अपीतीत। ओह, कितना कितने सारे फ्राइज हैं। वाह, मैं इसके साथ शुरू करूंगी। इसका आकार मस्त है, मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। ओह ओह ओह, कितना गर्म है लेकिन मुझे यह पसंद है। तो यह क्या है? बेशक फ्रेंच फ्राइज नहीं है लेकिन ये अच्छा दिख रहा है। हाँ, चीज स्ट्रेच हो रहा है, मुझे वो पसंद है। स्वादिष्ट। वाओ, ओ हाँ, ये वही है जो मैं चाहती थी, बिल्कुल सही। चलो खाकर देखती हूँ। मैं खुश हूँ, मुझे और चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। मुझे जीत किसे देनी चाहिए? ये मुश्किल है लेकिन भाई जीत गया। तुम सबसे अच्छे हो। क्या आपने सुना? मैं जीत गया, मैं जीत गया आखिरकार। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान, यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है, फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूंगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे हेयर ड्रायर की जरूरत है जिसकी मदद से मैं स्किटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए खास गन का इस्तेमाल करूंगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो।
पर ऐसा नहीं है, सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये, मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया, इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ। कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए, इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल नहीं, मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है। और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाओ, एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया? हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी, नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखें कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो कितना अच्छा है।
अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बेटे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेश, आँखों के बिना चेहरा कैसा? हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो आप शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल। यह बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है। हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए उज्जवल केक होगा। यह बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैस सिर्फ अपनी उंगलियाँ चाटेंगी। मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी, जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी, कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब यह सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है।
एक महत्वपूर्ण डिटेल। अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप, इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है, परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी, उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे दादी कहाँ गई? क्या कहाँ कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है। बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी ये केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केट। तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात, मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह कितना मीठा है, ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है। कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा रसदार। बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है। मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है। मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा। ओह चलो तुम मेरी चापलूसी करो। अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ। किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए। मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है। मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी। सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ। तुम अपनी उंगलियाँ चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है। बस मुझे बीज निकालना होगा, उसे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन है। और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा। और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितने उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी। बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे। यह बेकार है, मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट। अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है। yeah. क्या यह प्याज है? नहीं यह जरूरी नहीं है। टमाटर। लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो ये बेस्वाद होगा। अब शायद ये ठीक है, हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है, इन्हें हटाना होगा। ठीक है अब यह ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। इसके साथ कुछ गड़बड़ है।
बहुत ज्यादा है। ओ चलो, अगर इस तरह से रखे तो यह भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी। थैंक यू। ओह, मेरा बर्गर कहाँ है? बढ़िया, हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है, हमने इसे प्लेट पर रखा, बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया, इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है, मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटे हुए सब्जियां तैयार हैं। एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां, और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है। कितना सुंदर है, यह सच है। यह सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ? यह कैसा है? छी, तीखा। ओह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो, मेरे मुंह में आओ। ए, क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है, चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई। हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है, तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं एक टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा, मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो? यहाँ टोस्टर है, मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा! और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। आह, सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जैस, ये एक विजेता चुनने का समय है।
ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है, शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये, बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चक्कर देखती हूँ। कितना खराब, इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इसे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए, स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो, कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी, हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो, यह अच्छा दिख रहा है, बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, मेरे पास एक मिक्सर है, इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओ, मुझे नहीं पता था कि यह इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली, लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ देखो, यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है, अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? ताड़ाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशमिशी की कॉपी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड, लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ, यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है, जैस यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशमिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है, मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है, लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है, मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी, तुम जीत गई। क्या दादी, क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है, जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है, स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा।
ओरिजिनल बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे, लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खा कर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है, मुझे और क्यों उम्मीद थी। लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है, कितना अच्छा। मुझे सॉसेज बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं सबसे बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए था, जैसे कि एक स्वादिष्ट कपकेक। कोई समस्या नहीं, सब तैयार हो जाएगा। कपकेक? इसे कैसे बनाऊं? दादी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मेरे पास एक बहुत महंगी मशीन है जो मुझे कपकेक के लिए आटा गूंदने में मदद करेगी। उसके साथ सब कुछ करना बहुत अच्छा होगा और तेज। अब मैं सारी सामग्री को इसमें डालता हूँ और इसे चालू कर दिया। इससे काम करना कितना आसान है। अब इन सबको एक बर्तन में डालता हूँ और इसमें थोड़ा रंग डालना जरूरी है, चमकीला रंग। अब सब कुछ एक सांचे में डालना है और इसे ओवन में डालना है। अब जीत निश्चित रूप से मेरे पॉकेट में आएगी। नहीं, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। मैं स्वादिष्ट बेरीज के साथ कपकेक बनाऊंगी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होते हैं, और मैं इसमें निश्चित रूप से थोड़े चॉकलेट डालूंगी। और इसके तैयार होने तक इंतजार करूंगी। देखो यह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ओह वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इस पर क्रीम डालूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, इन कुकीज का उपयोग क्यों ना करें? इसे तोड़कर कप में डाल देती हूँ और इन पर कारमेल सिरप डाल देती हूँ और इस सबसे एक कपकेक बनाऊंगी। सबको अच्छे से मिला दिया, यह एकदम आसान है। मेरी राय में इतना बुरा नहीं है, है ना? चलो पता करें कि कौन सा स्वादिष्ट है। मैं इन रंगीन वाले से शुरू करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट, वे अंदर से भी रंगीन है, ये एक बड़ा प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस केक में बहुत अधिक फीलिंग है, कितना बड़ा भी है। ओह, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है। और वैसे यह क्या है? कितना बेकार है। मेरी राय में विजेता स्पष्ट है। मुझे चमकदार और स्वादिष्ट कपकेक अधिक पसंद आए। वाह, मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब तुम यह लो। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से।
जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ, वहाँ आटा डालना बाकी है। और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है, मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है। और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए, दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी ये सब आपकी गलती है, मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम एक घटिया कुक हो, तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है, बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते, तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूँगी, और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं, तो वे रंगीन स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ इसे पलट दिया, और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है, मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ इस तरह से, उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं, एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से, मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे, हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स, लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है, इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर आजमाने के लिए केवल एक बचा है, दादी मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खा कर देखती हूँ किसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी आप सबसे अच्छा जानती कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं, तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है, मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा, फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है, मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ महक अद्भुत है, लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए। लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो, ओह अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ, मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा,
मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो, हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि यह तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है, वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो, तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? ये सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है, यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है, स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है, इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत ही पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना, आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था, आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान, मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा, इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है, फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद, यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है, फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केट ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है, केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है,
यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है, हर कोई उसे पसंद करता है। ओ ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओ वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो ये कितना सुंदर है ना अच्छा? हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूँ। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि यह आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है, मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ। पता नहीं हमें क्या खाना बनाना होगा। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्राइज? हाँ, यह आसान है। फ्राइज, खैर कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यह इजी है। चलो। ओह, चलो निकलो। आलू बेकार। कितने जोर से चोट लगी। तुम इसे ठीक से करो, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यह सही नहीं है। यह मेरी नहीं, दादी की है। सच कह रही हूँ। हाँ, तुम मेरी प्यारी पोती। अब हम सब कुछ जल्दी से काट लेंगे, इस तरह से। सब एक जगह रख लेते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा तेल, और सीजनिंग को नहीं भूलना है। हमें बस इसमें थोड़ा मसाला डालना है। नहीं, यह काफी नहीं है। बस अब बस इसे तलने जा रही हूँ, मैं अवन में डालने जा रही हूँ। केवल एक सच्चा प्रोफेशनल जानता है कि आलू के साथ कैसे काम करना है। देखो, बिल्कुल सही स्लाइस। ये कितने सुंदर और चिकने हैं। बस इस तरह से, और अब इसमें थोड़े से सीजनिंग करें। कितनी स्वादिष्ट गंध है। और हम आलू को तलने के लिए अब डाल रहे हैं। ये लगभग हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टोस्टर तेज और कुशल। चलो हम सब इसमें डाल देते हैं, और अब हमें बस इंतजार करना है। और ये हो गया, पकड़ लिया। मेरा आलू लगभग तैयार है, और यहाँ मैं हूँ। मेरे आलू भी तैयार है। अब हम सभी आलू को एक प्लेट में रख देते हैं। ओह, कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसके ऊपर थोड़ा सा हर्ब्स छिड़क दे। अद्भुत खुशबू आ रही है। ओह वाह, जरा इधर देखो, यहाँ रहे असली आलू और असली फ्रेंच फ्राइज। और फिनिशिंग टच ये सॉस है। जेस, चक्कर बताओ। वाह, कितने आलू। चलो इससे शुरू करती हूँ। अजीब शेप है। चलो इसे मापे इस तरह से। खैर, इसे खा लेती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब यह बहुत बढ़िया।
मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से खाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। और अब ओह, यह कितना सुंदर दिख रहा है। कितना गोल्डन फ्राइड। चलो इसे सॉस में डुबोए। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ओ वाह, लाजवाब, मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस फ्राइज को चुनती हूँ। वाह, कितना बढ़िया है यह। मेरे आलू जीत गए। वैसे मुझे यह पता था, मन में जल रहे हो लूजर्स। और अब मुझे फ्राइड एग्स चाहिए। ओके, बढ़िया। नाइस, आसान है। अरे नहीं, ओ नहीं, ये क्रैश हो गया। ओ, मैं जल्दी से इन छिलकों को हटा देती हूँ। आह, कितना गर्म है। ठीक है, मैंने सब हटा दिए। और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ। अरे नहीं, उफ, क्या बैड लक है। ओह, कितना भयानक, बेकार नमक। अब उसे, अरे नहीं, अब ये जल रहा है। चलो उसे ढक देते हैं। इस तरह से अब यह बेहतर है। केट, तुम्हें आराम से अंडे को फेंटना था। हाँ, अब अंडे को फेंट लिया, फिर दूध डाला। बढ़िया, ये अच्छा है। अरे, मेरे हाथ को क्या हो गया? आ, ओ, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो? बस अब मैं इसमें नमक डालती हूँ और इसे एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डालती हूँ। इस तरह से इसे पकड़ो बच्चे। हाँ, देखो हमारा फेमस शेफ क्या कर रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा पानी डालते हैं। हमें प्लास्टिक बैग की जरूरत होगी। इस तरह, अब इसमें अंडे को तोड़ना है। हाँ, इस तरह से, और इसे बंद करके इसे पानी में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करना है। कितना अच्छा लग रहा है। ओ, समय हो गया है। अब अंडा तैयार हो गया होगा। इसे निकालते हैं और इसे इस तरह से इसे प्लेट पर रख दिया और ऊपर से इस पर नमक छिड़कना है। बहुत अच्छा। ओह, ओह, और मैं अपनी डिश पर थोड़ा हर्ब्स छिड़कूंगी। और यहाँ ये टमाटर। वाह, ये सुपर स्वादिष्ट लग रहा है दादी। और तुम्हें क्या हुआ बेबी? मुझे? ओ, मैं पूरी तरह से भूल गई। अरे नहीं, कितना भयानक, कितना डरावना। यह क्या है? मैंने कभी इसे बुरा कुछ नहीं देखा है। हम तैयार हैं, इसे खाकर बता। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ओ, कुछ बेकार सा। वाह, यह अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे नहीं चखूंगी। और यह, ओ, ये थोड़ा अलग सा है। क्या ये? छी, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या है? यो, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो और यहाँ हमारे पास क्या है? ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। यार, मैं इसे चुनती हूँ। मेरी डिश? क्या सच में? ओ वाह, मैं जीत गई, मैं जीत गई। ओ, मेरी कमर। ओ,